नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरि किशन सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्यूमेंट एडवाइजर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं नाम चेंज के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं और उसमें जो भी आपके कमेंट आए हुए होते हैं उसका मैं जवाब वीडियो के माध्यम से देता हूं। और अगर आप डायरेक्ट अगर कॉल करना चाहें तो हमारे ऑफिस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपका हमारी टीम आपका पूरे हर सवाल का जवाब देगी। और मेरे पास अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, थैंक यू सर आपकी हेल्प से मैंने अपने डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर लिया है, मगर CBSE और 10th एंड 12th की मार्कशीट में नाम चेंज नहीं कर रही है। मुझे 2022 में 4 साल हो गए हैं पास आउट हुए। तो मैं आपको सर बता दूं, अगर CBSE वैसे तो नाम चेंज कर ही देती है गजट के बेस पे, अगर आप नाम चेंज कराएंगे तो आराम से हो जाता और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है। बट अगर किसी वजह से अगर नहीं भी नाम चेंज कर रहे हैं तो CBSE वाले, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जहाँ भी 10th और 12th का सर्टिफिकेट लगाना है, साथ में आप गजट नोटिफिकेशन की कॉपी अगर लगाएंगे और साथ में आधार कार्ड नए नाम पे लगाएंगे तो आपका नया वाला नाम वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और चिराग जी बोल रहे हैं कि सर मुझे गजट नोटिफिकेशन करवाना है लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ MP का एम्प्लॉई हूँ, क्या मैं गवर्नमेंट में चेंज कर सकता हूँ, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, प्लीज़ आंसर। तो मैं इसमें बता दूँ आपको, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए और नॉर्मल के लिए चेंज करने में कोई इशू वाली कुछ ज़्यादा अलग चीज़ नहीं होती। बस सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉई होते हैं तो आपको ऑफिस से डीड लिखवानी होती है, डीड पर साइन करवाने होते हैं, डीड का मैटर हम देंगे आपको, उस पर आपको उस प्रिंटआउट निकाल के अपने ऑफिस से साइन करवाने होते हैं। बट जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपका गवर्नमेंट ऑफ MP है, तो स्टेट गवर्नमेंट से है तो आपको डीड की भी ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल एफिडेविट पे आप काम करवा सकते हैं। और एफिडेविट में मगर उसमें मेंशन करना होगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ताकि आपको अपने ऑफिस में जाकर नाम चेंज आप करवा सकें, कोई दिक्कत नहीं आती गजट नोटिफिकेशन के बिहार पे। गवर्नमेंट ऑफिस में नाम चेंज हो जाता है जो भी अगर एम्प्लॉई भी हैं, तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे वो फिर कोई प्राइवेट एम्प्लॉई हो। बट सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना होता है जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं तो अपने ऑफिस से डीड पे साइन करवा के लाने पड़ते हैं। और नितिका जी बोल रही है, हेलो सर मुझे नेम और जेंडर दोनों चेंज करना है, उसके लिए कितने गजट नोटिफिकेशन कराना होगा, मैं दिल्ली से हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको नेम और जेंडर अगर दोनों भी चेंज करने हैं तो गजट नोटिफिकेशन इसमें एक ही होगा। दो गजट नोटिफिकेशन सिर्फ रिलीजन वाले केस में होते हैं, उसमें नाम चेंज का गजट अलग आता है और रिलीजन चेंज का गजट अलग आता है। बट जेंडर के केस में सिंगल गजट आता है आपको, उसी गजट में आपका ये भी लिखा होगा कि मैं अपना नाम चेंज करके मान लीजिए सुनीता से सुनील कर रही हूँ, और या सुनील से सुनीता कर रही हूँ, जैसा भी आपका मैटर हो। और उसके हिसाब से आपका जेंडर भी चेंज होता है, सन ऑफ से डॉटर ऑफ हो रही हूँ या फिर डॉटर ऑफ से सन ऑफ हो रही हूँ, उसमें कोई इशू नहीं आता। आपका सिंगल गजट में दोनों चीज़ें हो जाती हैं। और जेंडर चेंज का मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट की फ़ीस 1400 रुपये होती है, गवर्नमेंट की फ़ीस इसमें 1400 रुपये होती है, और आराम से आपका हो जाता है, दोनों चीज़ें एक ही गजट में आती हैं। और देव मिश्रा जी कह रहे हैं, सर क्लास 10th और 12th में नाम देव है और सब डॉक्यूमेंट में देव मिश्रा है, तो गजट करा देने से गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं आएगी सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, गजट के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरह की। और मायरा खान जी कह रही है, सर मेरा आधार कार्ड 2 बार बन गया है, अब उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ ठीक कैसे करें, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई। तो सर मैं आपकी बात क्लियर समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये आपने 2 बार कैसे बनवाया आधार कार्ड, क्योंकि दो बार आधार कार्ड बनता नहीं है। बट अगर हो सकता है कि आप नाम चेंज आपने 2 बार करवाया हो, तो अगर आप तीसरी बार नाम चेंज कराने जाएंगे तो वो गजट नोटिफिकेशन मांग लेंगे आपसे, गजट नोटिफिकेशन के बिहाफ पे आप उनके रीजनल सेंटर पर जाके अपना नाम चेंज करा सकते हैं। बट डेट ऑफ बर्थ जो आप बता रहे हैं चेंज कराने के, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ का कोई डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा। आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए या फिर किसी MLA MP से साइन करवा के ले जाइए, और जनरली वो उससे चल जाता है। बट एट लास्ट आपको बर्थ सर्टिफिकेट में अगर करवा लेते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो आपका वो बर्थ सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड माना जाएगा। और बाकी अगर आपके किसी और भी क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, हम आपका पूरी हर क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। नमस्कार दोस्तों।